गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लवी किचन में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ चने की सब्ज़ी, बहुत ही डिफरेंट टाइप की। तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट लगेगा मैं आप लोग को बता देती हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए 2 कच्चे आलू, और मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसको रफली चॉप कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 प्याज, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा जिंजर का, मैंने आपस में इसको चॉप कर लिया है। और यहाँ मैंने लिया है सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच, और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी चने जिसे मैंने रात में भिगा लिए थे, तो ये अभी फूल चुके हैं। और यहाँ पे मुझे चाहिए 1/2 छोटी चम्मच धनिया, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाले, 3 बड़े चम्मच छोले मसाले, 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं आप चाहें तो। और यहाँ पे मैंने लिया है जीरा 1 बड़े चम्मच, यहाँ पर मैंने लिया है चाय पत्ती 2 छोटे चम्मच, 1/2 छोटी चम्मच मैंने लिया है चीनी, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक लिया हुआ है। तो चलिए हम चने की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले गैस को ऑन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे पहले कुकर रखेंगे, और कुकर में हम चने को डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। अब हम इसमें डालेंगे 2 आलू। आलू को मैंने साफ कर लिया था बहुत अच्छे से, इसलिए हम इसे बिना छीले ही डाल रहे हैं। जब ये चना हो जाएगा तो हम इसे छील लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक। अब हम कुकर को बंद कर देते हैं और इसमें 3 सीटी आन देते हैं। इसमें फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि 3 सीटी अच्छे से आ जाए और चना हमारा अच्छे से बॉयल हो जाए। तो हमारे कुकर में 3 सीटी आ गई है। अब हम इसे अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। तो ये मैंने चने को बॉयल कर लिया है, आलू को भी बॉयल कर लिया है, और मैंने इसे एक प्लेट में निकाल के, ये ठंडा हो गया तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया और इसे छील भी लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा आलू को तोड़ देंगे। तो मैंने आलू को अच्छे से फोड़ लिया है हाथ से ही, आप इसे किसी मैशर वगैरह से मैश कर सकते हैं। तो अब मैं गैस को ऑन करूँगी, और मैं यहाँ पे एक पैन रखूँगी, और अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूँगी और थोड़ा सा पानी और डालूँगी। अब मैं इसमें चाय पत्ती ऐड कर दूँगी। अब इस चाय पत्ती को और पानी को अच्छे से बॉईल होने दूँगी। जब ये एक उबाल आ जाएगा तो मैं इसे उतार लूँगी। तो ये देखिए हमारी चाय पत्ती में अच्छे से बॉईल आ चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने इस पानी को निकाल लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे। अब मैं यहाँ पे रखूंगी एक कुकर, और कुकर को अच्छे से हीट हो जाने देंगे। तो कुकर हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तेल। तेल को गरम होने देंगे। देखिए तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। जीरा जब ऐसे चटकने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। अब हम इसे चला देंगे ऐसे हल्के हल्के हाथ से स्टर करते रहेंगे। अब हम प्याज को हल्का सा ब्राउन होने देंगे। अगर आप जीरा की जगह पंचफोड़न वगैरह यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। प्याज को हल्का सा स्टर करते रहेंगे। ये देखिए प्याज हमारा अच्छा सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाले, ये कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 छोटी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने यहाँ पे कलर के लिए यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा 1 मिनट तक पकाएंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे ये छोले मसाले, और साथ में ही 1/2 छोटी चम्मच धनिया ऐड करेंगे, धनिया पाउडर है, मिला दें इसे।
अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर। मिला दें इसे। और साथ में मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी, ये मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग है नमक। और इसे 1 मिनट तक पकने देंगे। तो 1 मिनट हो चुका है, ये हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 छोटी चम्मच के लगभग चीनी। चीनी मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो मैंने चने और आलू को बॉईल करके रखा हुआ था, इस तरह से मिला के। मिला देंगे इसे इस तरीके से। इसे 1 मिनट तक और भूनेंगे। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है और ये अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चाय पत्ती वाली पानी। अब आप लोग सोच रहे होंगे चाय पत्ती वाली पानी क्यों हम ऐड कर रहे हैं। इसको ऐड करने से ना इसका जो टेस्ट है बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत ज्यादा। आप इस तरीके से एक बार सब्जी जरूर बनाइएगा, आपको सच में बहुत टेस्टी लगेगी। आप किसी को भी बना के खिला सकते हैं और सब आपकी तारीफ भी करेंगे। तो अब हम कुकर को बंद कर देंगे, अब इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हम इसे 2 सीटी आने तक पकाएंगे। तो ये देखिए हमारे कुकर में सीटी आ चुकी है 2 सीटी। हम इसे गैस बंद कर देते हैं। अब हम इसे ठंडा हो जाने देंगे। तो ये देखिए हमारा कुकर एकदम ठंडा हो चुका है। अब इसे खोलते हैं, देखते हैं हमारी सब्जी कैसी बनी है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है हमारी सब्जी। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी सब्जी, देखने में लग रही है ना एकदम होटल जैसी। तो आप इस सब्जी को एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए हमारे चने की सब्जी बहुत एकदम होटल जैसी बन के तैयार है। तो आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। Thank you for watching. Bye bye.